और सब उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बेसिकली मंच पर उपस्थित हमारे डायरेक्टर सर का, एमएसएमई डायरेक्टर सर, हमारे आरसी मंडल सर जो आरडीएसटी से थे, मंच पर उपस्थित विभिन्न विभागों से जो भी अधिकारी आए हुए थे यहाँ पे। अभी कुछ देर पहले ही हमने एसबीआई से भी सुना पीएम विश्वकर्मा के बारे में, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो बेसिकली कहिए तो इसमें तीन डिपार्टमेंट का काफ़ी बड़ा भागीदारी है। उसमें सबसे पहले आपने एमएसएमई का पार्ट सुना, इसकी सेकंड जो सबसे मेजर पार्ट है हमारा ट्रेनिंग पार्ट का, जो कि एमएसडी आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का आई थिंक नाम जानते होंगे। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का एक यहाँ पे जो बिहार में, जैसा मंडल सर जब अपने स्पीच में बोल रहे थे कि यहाँ पे 18 में ही आरडीएसडी, जिसका मतलब फुल फॉर्म हुआ रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ, एक क्षेत्रीय ऑफिस खोला गया है यहाँ पे, जो कि अभी कार्यरत है यहाँ पे पटना में दीघा के पास ये ऑफिस है, उसके बारे में मैं ज़रूर जिक्र करूँगा अपने पीपीटी के दौरान भी। और बेसिकली ये ऑफिस का पर्पस है ताकि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसके बारे में सभी लोगों को अच्छे से बताया जा सके, क्योंकि मोस्टली सरकारी स्कीमों में जैसे आप सबको पता है कि सबसे जो प्रायोरिटी जो है वो जो सबसे जो बेसिक चीज़ है कि वो इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेशन, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि वो स्कीम है क्या। बहुत लोगों को यही जानकारी नहीं होती कि वो स्कीम है क्या, उसमें मतलब भागीदारी क्या, उसके स्कीम का मतलब हम लोग भागीदारी कैसे उसमें लें, उस स्कीम का बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, उस स्कीम की मतलब जो है उससे हमें बेनिफिट क्या होगा, तो बहुत सारे कम लोगों को मतलब आइडिया होता है। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं बस पहला सवाल चलिए यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि ये बताइए पीएम विश्वकर्मा .gov.in वेबसाइट अभी तक किसने किसने खोला हुआ है एक बार? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए फिर भी मुझे मतलब सारे हाथ मुझे उम्मीद था कि दिखने चाहिए थे, लेकिन चलिए 20% 25% तो दिखा मुझे एटलीस्ट। तो इसलिए सबसे मतलब जो स्टार्ट करता हूँ मैं, इसलिए फर्स्ट स्लाइड पर ये लिख के लाया था कि ये वेबसाइट मैं बताना चाहता हूँ सब लोगों को, ये वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आपको हिंदी में इंग्लिश में इस स्कीम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी। आज तक देखिए जितने भी लोग यहाँ पे हैं सारे के यहाँ पे मैं स्मार्टफोन देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट इस स्मार्टफोन का भी इतना बड़ा फायदा है कि आप स्मार्टफोन पे डालिए ये मतलब लिंक और उस वहाँ पे जस्ट एक ऊपर आएगा हिंदी में। अगर आप देखिए बहुत लोगों का डेफिनेटली, हम लोग बिहार से हैं, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी डेफिनेटली लैंग्वेज बैरियर कभी कभी होता है इंग्लिश में, जो कि मैं भी समझता हूँ, इसलिए लैंग्वेज बैरियर को आजकल गूगल ने हटा दिया है, किसी लैंग्वेज से किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन और ये सब कुछ अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सीधा ऊपर हिंदी डालिए, हिंदी में सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं उस स्कीम को। बाकी स्कीम के बारे में डिटेल तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा ही, जो भी बेसिक बेसिक पार्ट है वो मैं आपको सारा यहाँ से मतलब एक बेसिक नॉलेज दे के ही भेजूँगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीएम विश्वकर्मा जैसे आपने देखा अभी तक, तो पीएम विश्वकर्मा जैसे अभी तक सारे लोगों का हमने सुना, सब लोगों ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा में 1 लाख का लोन मिल रहा है, 3 लाख का जो है सेकंड ट्रांच लोन मिल रहा है, फर्स्ट ट्रांच 1 लाख का है। बट मैं आपको सबसे पहले ये मिथ दूर करना चाहूँगा कि पीएम विश्वकर्मा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। पीएम विश्वकर्मा का जो मतलब टोटल स्कीम है इसमें केवल जो है आपका ये सरकार जो है ऐसा नहीं केवल लोन प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहला है बेसिकली जैसे कि अभी जस्ट आप सुनिए हमारे रिकग्निशन पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आईडी कार्ड, इसकी महत्ता तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, मैं भी ले आया था बताने के लिए, बट ऑलरेडी आपने हमारे एसबीआई के जो है उन्होंने बता दिया कि इसकी महत्ता क्या है, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन देखिए इस स्कीम का मैं आपको मेजर ऑब्जेक्टिव बताना चाहता हूँ। पहला है कि आपको बेसिकली इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने से एक रिकग्निशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि चलिए आप लोग 10 लोग दर्जी हैं, दर्जी में इसलिए एग्जाम्पल को आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, 10 आप दर्जी हैं और किसी उस 10 दर्जी में आपके सोसाइटी में एक के पास पीएम विश्वकर्मा का कार्ड है, कोई एक नॉर्मल कस्टमर मेरे जैसा चाहता है कुछ सिलवाना, अगर मुझे पता चलेगा कि यार वहाँ पे 10 दर्जी है उसमें से एक के पास विश्वकर्मा कार्ड है, मेरे मन में सबसे पहले यही, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब इसका उद्घाटन किया है मतलब अपने मतलब विश्वकर्मा दिवस पे ही, तो नाम तो सब जानते हैं, सबको इसकी मतलब सब डेफिनेटली ये जानते हैं कि विश्वकर्मा योजना है, उससे कुछ फायदे हैं, डिटेल में किसी को पता नहीं होगा लेकिन इतना तो सब समझ गए हैं कि विश्वकर्मा योजना है। तो अगर 10 दर्जी में से एक के पास अगर कार्ड होगा तो डेफिनेटली एक नॉर्मल कस्टमर सबसे पहले वहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहली इसकी प्राइमरी ये है कि मतलब फायदा जो है कि सर्टिफिकेशन का फायदा जो है ना यही होता है आपका,
अगर पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो कस्टमर आपके पास खुद ही आएंगे। आप जिस भी मतलब फील्ड में हो, आप टेलर हो, आप सुनार हो, लुहार हो, किसी भी अगर आपके पास वो कार्ड होगा, कस्टमर का ट्रस्ट बनेगा सबसे पहले। ठीक है, आप सब लोग शॉपिंग करते हैं ना, रिव्यू तो सब पढ़ने जानते हैं आजकल अमेजोन पे। सबसे पहले जाते हैं, देखते हैं फाइव स्टार है कि नहीं, फोर स्टार है, किसमें देखो ये कार्ड लिखा हुआ है। तो ये महत्वता है इसकी। दूसरी इसकी सबसे प्राइमरी पॉइंट बता रहा हूँ, स्किल अपग्रेडेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं चलिए मैं खुद ही, चूंकि मैं इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस से हूँ, जिसका नाम ही है मतलब कौशल विकास सेवा, और हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं हम लोग कौशल के बारे में देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे मतलब बढ़ाया जा सके। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कारपेंटर के बारे में। जैसे मैं गया था जब यहाँ पे बेंगलुरु जब विजिट किया था, तो नॉर्मल कारपेंटरी टूर मुझे ही पता था कि चलो भाई कारपेंटरी कैसे होता है। तो नॉर्मली लोग जो है मतलब जो अपना नॉर्मल मशीन तो यूज़ करते हैं कटाई का, इसका वहाँ पे मैंने जब मैं बॉस में गया, बॉस का नाम सुना होगा, जो भी कारपेंटर साइट से होंगे आई थिंक सब ने बॉस के टूल्स देखे होंगे। तो उनकी जब एडवांस टूल्स मैंने देखी, उनकी एडवांस ड्रिलिंग मशीन देखी, एडवांस कटिंग टूल्स देखी, तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैं बोला कि ये बताओ ये इतनी एडवांस टूल्स है कि जो काम मतलब एक नॉर्मल कारपेंटर इतने घंटे में कर रहा है वो इस मशीन से बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो उसको लेकिन क्या है, कॉमन पब्लिक जब तक मैं नहीं देखा था मुझे पता नहीं था, आप नहीं देखे होंगे आपको भी पता नहीं होगा। मॉडर्न टूल्स जो भी आ रहे हैं आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, मॉडर्न टूल्स भी नए नए आ रहे हैं, लेकिन हमारे बेसिकली विश्वकर्मा जो आप लोग हैं उन लोग किसी को आइडिया होगा, मैं ये नहीं बोला सबको आइडिया नहीं होगा, बहुत लोगों को आइडिया होगा भी जो अपडेट करते रहते होंगे, बहुत लोगों को नहीं भी होगा। तो इस स्कीम का ये टारगेट है कि आपका स्किल अपग्रेड किया जाए, आपका कौशल का जो है और एक दूसरे लेवल पर ले जाया जा सके। तो ये एक प्राइमरी पार्ट है कि कौशल आपका जो आप जब इस स्कीम में जब आएंगे तो इसका बेसिक जो है आपकी दो पार्ट की ट्रेनिंग मिलेगी, एक बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी 5 दिन की, उसके बाद एक एडवांस ट्रेनिंग का भी प्रोविजन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आपको 6ठे दिन फॉर्म दे दिया जाएगा कि 15 दिन के लिए आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, वो बेसिकली उनका आपके इंटरेस्ट पे है।